बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको ई नंबर के मतलब वीज़ा स्टैम्प के मतलब वीज़ा का वकाला नहीं बन रहा है, इनके मतलब जो ताज़ा तरीन अभी सूरत हाल है उससे अपडेट कर दूंगा मैं। अगर आवाज़ थोड़ी भारी महसूस हो तो मेरे भाई थोड़ी तबीयत नासाज़ है, इसलिए दरगुजर कीजिएगा। अच्छा, बात यह है जी कि मैं आपको यहाँ पर साथ में बाकायदा दिखा भी देता हूँ। कुछ भाइयों ने ई नंबर उनके निकले, मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया भी, दिखाया भी, फिर भी बंदों ने भाई मुझे बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं भाई, किसी का ई नंबर नहीं निकल रहा है। यार यकीन कीजिए, मैं अभी वो बोलते हैं कसम उठाकर माल बेचने का क्या फ़ायदा। बात यह है ई नंबर निकल रहे हैं, ये अभी एक भाई का आपको मैसेज भी सुना देता हूँ, इनका भी ई नंबर आ चुका, बकायदा मुझे सेंड भी किया गया है, लेकिन बोल क्या रखे हैं ये भी आपको बता देता हूँ मैं। देखें, सऊदी अरबिया इस मसले के ऊपर जो अभी की डिस्कस सूरत हाल है वो सुन लें। सऊदी अरबिया का आपको पता साहिर खास आमन मंत्री या आमला मंत्रिया का जो ई नंबर है उसमें बिल्कुल इशू आ रहा है, अभी भी आ रहा है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे महीना वाले हैं उनके ई नंबर वक्तन फ़क्तन निकलना शुरू हो चुके हैं, वीज़े उनके स्टैंप के लिए जाना शुरू हो चुके हैं। अभी वीज़े स्टैंप के लिए जाना शुरू हो चुके हैं, अभी वीज़ा स्टैंप हो या ना हो या एक माह बाद हो, ये एक अलग से इशू होगा, ठीक है। ई नंबर उनके निकल चुके हैं। दूसरी बात ये कि सऊदी अरेबिया ने, आपको पता है, 10 से 12 नए महीने मुतारफ करवा दिए गए हैं, साथ में आपको दिखा रहा हूँ मैं घरेलू तौर पर, ठीक है। नए 10 से 12 महीने घरेलू तौर पर सऊदी अरेबिया ने मुतारफ करवा दिए हैं। इनमें से कोई भी बंदा इस महीने का वीज़ा लेकर पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली भाई सफ़र कर सकता है। भाई ये भी सोच रखे हैं क्या साय खास या आमल मंजिली वगैरह वाला जो वीज़ा है वो इनमें कन्वर्ट तो नहीं हो गया है, इसलिए तो ई नंबर नहीं निकल रहे हैं, ये वजह तो नहीं है। भाई देखें, पहली बात तो ये साय खास आमल मंजिली वहीं पर रहेंगे, उनके ई नंबर ज़रूर निकलेंगे, सुन ले कब। अगर खुदा न ख्वास्ता वो इन महीनों में कन्वर्ट भी होते हैं तो भाई आपके वीज़ा ज़ाया नहीं होंगे, आपके वीज़ों के महीने चेंज हो जाएंगे खुद ब खुद और आपके ई नंबर फिर भी निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके वीज़े ज़ाया हो जाएं या आपके वीज़े बंद तो नहीं हो गए, ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ से बेफिक्र रहें। मैसेज सुन लें, फिर एक दो बातें और डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। सबसे पहले ठीक है जी भाई, मेरे ई नंबर निकला है, फिंगर भी हो गए हैं, ठीक है जी भाई, मुझे खुद मैसेज करके बता रहे हैं। मैंने आपको एक सुना है, यकीन कीजिए मेरे पास ऐसे बेशुमार हैं, और साथ में बकायदा उन लोगों ने अपने ई नंबर सेंड भी मुझे किए हुए हैं कि देख ले ये हमारा निकला है। ये चीज़ है भाई, ई नंबर निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन वेट करें आपका भी निकलेगा, लेकिन इसमें जो मेरी समझ के मुताबिक मुझे अभी तक की जो सूरत फील हो रही है ना, क्योंकि देखें इसमें ना सऊदी गवर्नमेंट कुछ क्लियर कर रही है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ क्लियर कर रही है कि ये मसला चल रहा है, ऐसी तो बात है ही नहीं कन्फर्म। अच्छा, इसमें जो मेरे मुताबिक हो रहा है ना वो ये भाई, सऊदी अरेबिया ने जो 10-12 नए महीने मुतारफ करवाए हैं ना, इसी चीज़ को देखते हुए ई नंबर अभी इशू नहीं हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में ये जो नए महीना वाले वीज़े आए हैं इनके भी ई नंबर शुरू हो जाएंगे, और जो पुराने मेरे भाई वीज़ा लेकर बैठे हुए हैं ना, आपके भी ई नंबर एंड वीज़ा स्टैंप वगैरह होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, अकेला ई नंबर का इशू नहीं है, वीज़े के वकाले का इशू चल रहा है, ई नंबर का इशू चल रहा है, फिंगर का इशू चल रहा है, वीज़ा स्टैंप का इशू चल रहा है। ई नंबर जिनके निकले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, उनके वीज़े स्टैंप के लिए जा चुके हैं, पता नहीं अभी भाई स्टैंप होते हैं या मजीद एक माह या दो माह वो वहीं पर पड़े रहते हैं।